तस्वीरें इस वक्त TV9 कन्नड़ जो हमारा सहयोगी चैनल है उसके जरिए तस्वीरें सामने आने लगी हैं सुरभि। और देखिए प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो अब आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब लैंडिंग थोड़ी देर में, और उसके बाद वो तस्वीरें जिसकी पहली झलक प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट की और वही दिखाएंगी सीधी तस्वीरें TV9 भारत वर्ष। और शुभम, मैं जल्द ये जानना चाहूंगी क्योंकि उत्साहित तो हो जाते हैं हम जब देखते हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने हर मिशन में उसी रूप में नजर आते हैं, लेकिन क्या आज सफारी की सवारी भी PM करने वाले हैं? देखिए सुरभि, जब भी प्रधानमंत्री ऐसी किसी भी जगह पर जाते हैं उनका एक अलग अंदाज हमें देखने को मिलता है। चाहे वो कुनो नेशनल पार्क की हम बात करें जब उन्होंने हाथ में कैमरा लिया, और वेशभूषा पर भी आप देखिए कि वो उसी वाइल्ड लाइफ वाली जो वेशभूषा होती है, बड़ा सा हेड उन्होंने पहना था, एक जैकेट पहना था, चश्मा लगाए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी की थी। तो आज भी कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। सभी उत्साहित हैं, लोग भी उत्साहित हैं कि आखिरकार नंबर्स क्या आने वाले हैं टाइगर्स को लेकर, क्योंकि बड़ा संघर्ष इसमें भी किया है सरकारों ने, लोगों ने लगातार, कि किस तरह से टाइगर को संरक्षित किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए, शिकार किस तरह से रोका जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कुछ ही देर का इंतज़ार है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ये आंकड़े सामने करेंगे। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उनका अंदाज इस बार और कितना खास होता है। बिल्कुल शुभम, और प्रधानमंत्री का जो अनोखा अंदाज है वो उसके लिए जाने जाते हैं, और इसके जरिए राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे आज। और दक्षिण के 2 दिनों पर दौरे पे थे वो, और आज उनका आखिरी दिन है, और खासकर इस जिस नेशनल पार्क में वो पहुंच रहे हैं उसकी खास बात यह है कि इसकी सीमाएं 2 राज्यों में लगती हैं, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु तक इसकी सीमा जाती है। एक खास मेहमान अजय सूरी भी हमारे साथ जुड़ गए, और हमारे एक और संवाददाता रूपेश कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आज देश के लिए कितना बड़ा दिन, और आज जब आंकड़े जारी होंगे तो यह भी पता चलेगा कि सरकार ने जो मेहनत की है और जो एफर्ट लगाया है वो एफर्ट कहां तक पहुंचा है, कैसे देखते हैं आप, और आपके हिसाब से यह आंकड़ा कहां तक पहुंचा होगा? देखिए, आपके आखिरी सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि आंकड़ा तो तय है कि 3000 से ऊपर ही जाएगा, और ये बड़ी सफलता इसलिए है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 50 साल पहले तो मात्र 1800 बाघ थे जी, आज वो 3000 से ज्यादा है जी। अब जो पेसिमिस्ट लोग हैं वो ये कहेंगे कि 1800 से 3000 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर एक दूसरा व्यू ये है कि आप ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष का एक पूरा समीकरण 50 साल में बदल गया, आबादी इतनी इतनी ज्यादा हो गई, जंगल कम हो गए, और उसके बावजूद जहां पूरी दुनिया में कम से कम 2 प्रजातियां बाघों की पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं, हमने ना सिर्फ बाघ को बचाया इस मौजूदा सूरत हाल में बल्कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी करी, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो है ना, ये जो सफर पिछले 50 साल का है ये ऐसा नहीं है कि एक बहुत स्मूथ राइड हुई, अभी भी कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ दें, जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा है, झारखंड का पलामू है, जहां पे बाघ जो है रिवाइव नहीं कर पा रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे देश के अंदर आप देखिए जितने भी जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो सिर्फ 9 उस समय टाइगर रिजर्व थे और आज की डेट में 54 है।